ओम नमः शिवाय। आज हम वार्षिक राशिफल बताएंगे, मगर उसके पहले दो चार शब्द हम बोलना चाहते हैं। अंग्रेजी मत के अनुसार अंग्रेजी कैलेंडर जनवरी से जनवरी प्रारंभ होता है, जबकि हिंदू धर्म के अनुसार यह समय चैत्र नवरात्र से आरंभ होता है। लेकिन सरकारी आंकड़ों और आर्थिक मजबूरियों के कारण हम आप हमेशा अपने तथा अपने परिवार की अनुकूलता की अपेक्षा करते हैं। इसी क्रम में आज हम वार्षिक राशिफल जो आंग्ल मतानुसार जनवरी से प्रारंभ होकर दिसंबर तक चलता है, इसकी चर्चा करेंगे। उसके पहले थोड़ा सा ग्रहों का परिचय हम देना चाहते हैं। अब हम मुख्य रूप से तीन ग्रह की चर्चा पहले करेंगे, जो कि जिस राशि में हैं उसी राशि में वर्ष पर्यंत बने रहेंगे। उनका अच्छा या बुरा प्रभाव पूरे वर्ष बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव में नहीं आने वाला है, जिसमें पहले चर्चा करते हैं शनि देव की, जो कि अक्टूबर 2017 से पुनः धनु राशि में गोचर कर रहे हैं और जनवरी 2020 तक धनु राशि में ही चलते रहेंगे, जिसमें ये समय समय पर वक्री भी होते रहेंगे। अब बात करते हैं राहु की, जो कि कर्क राशि में चल रहे हैं और अभी मार्च 2019 तक कर्क राशि में ही चलते रहेंगे। ठीक इसी तरह केतु भी, जो कि मकर राशि में चल रहे हैं और वर्ष पर्यंत मकर राशि में चलते ही रहेंगे मार्च 2019 तक। इसके बाद बृहस्पति देव की चर्चा करते हैं। बृहस्पति देव अभी तुला राशि में चल रहे हैं और अक्टूबर 2018 तक तुला राशि में ही चलेंगे। अक्टूबर से ये वृश्चिक राशि में चले जाएंगे। इन चार ग्रहों के बाद बाकी अन्य ग्रहों की चाल लगभग हर महीने दो चार दिन के अंतर पर बदलती रहती है। इन्हीं का सार्वभौमिक मिला जुला प्रभाव फलादेश के रूप में तैयार होता है। आइए देखते हैं मेष राशि के जातकों का वर्ष भर का राशिफल कैसा होता है। मेष राशि का प्रतिनिधित्व करने वाला ग्रह मंगल है, जो कि गर्म और हिम्मती स्वभाव का होता है। अभी आप उत्साह से लबरेज हैं, आत्मविश्वास बना हुआ है। यह वर्ष आपको सफल बनाने के लिए पहले से ही तैयार है। आपको अपने उद्देश्य का झंडा गाड़ देना चाहिए। कार्य क्षेत्र अनुकूल है। 15 जनवरी से 15 मार्च तक उत्साह में कमी ना करें। कार्य टल सकता है, इस बीच काम को अधूरा ना छोड़ें, उसको पूरा करते रहें। पत्नी की प्रेरणा को महत्व देकर काम करें, कुछ और अनुकूलता मिलेगी। सारी सुख सुविधाओं के होते हुए भी थोड़ी असंतुष्टि की भावना बलवती रहेगी। परिवार में तनाव की स्थिति राहु की वजह से बन सकती है। धैर्य और शांति से काम लें, सामंजस्य बैठा कर चलें, स्वास्थ्य पर ध्यान दें। फरवरी मार्च में विशेष तौर पर रात में नींद की कमी का दौर चल रहा है। अपने सामान के प्रति सावधान रहें, गायब होने चोरी होने की संभावना बनती है। अगर कोई सामान कहीं रख दिए हैं तो जल्दी दिमाग में नहीं आएगा कि हम कहाँ रखे हैं। आर्थिक मामले में पूर्वार्ध के बाद और अच्छी स्थिति बनेगी। कार्य क्षमता में और वृद्धि होगी। अक्टूबर के बाद और सुख शांति महसूस करेंगे। माता पिता के स्वास्थ्य में भी उतार चढ़ाव बना रहेगा। यदि आपकी शादी नहीं हुई है तो योग चल रहा है, प्रयास करें, हो सकती है। नौकरी में स्थानांतरण या कार्य क्षेत्र में परिवर्तन की संभावना बनी हुई है। अक्टूबर के बाद कुछ आध्यात्मिक अनुभव भी होगा। कुछ गोपनीय विषयों का या रहस्यमय विषयों में मन लगेगा। साल के अंत में विदेश यात्रा की भी संभावना दिख रही है, जिसमें आर्थिक योजना को बल मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए यह समय बहुत अनुकूल नहीं है, मेहनत करनी पड़ेगी। आलस्य न करें, आत्मविश्वास बढ़ाएं,
वर्ष का उत्तरार्ध अच्छा रहेगा। मन लगाकर पढ़ाई करें, समय को अनुकूल बनाने के लिए उपाय कर सकते हैं। यदि आपको अपनी क्षमता का पूरा रिटर्न नहीं मिलता है तो उपाय करें, सूर्य की आराधना करें, अर्घ दें, हनुमान जी की आराधना करें, बुजुर्गों का सम्मान करें, काम में रुकावटें कम होंगी, पक्षियों को दाना डालें। हम आपके इस वर्ष की सफल और सुखद समय की कामना करते हैं। आइए देखते हैं राशि क्रम की दूसरी राशि वृषभ राशि के बारे में। यह वर्ष कैसा रहेगा आपका? यह वर्ष आपकी आयु बढ़ाने वाला वर्ष है, मान सम्मान बना रहेगा। यह वर्ष आपको अपना पराक्रम दिखाने के लिए पर्याप्त समय देगा। छोटी छोटी योजनाएं बनाकर काम करें और उसको पूरा करते जाएं। एक साथ बड़ी योजना को हाथ में ना लें, इकट्ठे कोई कार्य करने की ना सोचें, काम रुक सकता है। धैर्य रखकर काम करें, मेहनत करने की प्रवृत्ति बढ़ाएं, झुंझलाहट को मन में न आने दें। स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा, विशेष तौर पर जनवरी फरवरी में त्वचा से संबंधित परेशानी बढ़ सकती है, संक्रमण का खतरा है। अगर आपकी उम्र 40 से अधिक है तो शुगर और थायराइड भी चेक कराएं। पैर के घुटनों में दिक्कत बढ़ सकती है। मार्च से जुलाई तक आय संबंधी अनुकूलता बनी रहेगी। अगर कुछ अतिरिक्त करने की सोच रहे हैं तो प्रयास करें, जो योजनाएं रुक गई थी उनको पूरी करने की कोशिश करें। जिससे सहयोग की अपेक्षा करते हैं उससे सहयोग की मात्रा में थोड़ी कमी रहेगी। मार्च से या मार्च के बाद हर तरफ से अनुकूलता मिलने लगेगी। संतान संबंधी शुभ कार्य होंगे। यदि शादी विवाह का मामला है तो उसमें बात बन सकती है। मार्च से जुलाई तक व्यवसाय संबंधी मामलों में यात्रा भी करनी पड़ सकती है। यदि ऐसा हो तो सक्रिय रहना चाहिए, इसमें आपको लाभ मिलेगा। विद्यार्थियों को सजग रहना होगा, मेहनत अधिक करनी पड़ेगी। प्रयास करते रहें, आत्मविश्वास बढ़ा कर रखें। यदि कोई मुकदमा चल रहा है तो समझौता करना फायदेमंद होगा। वाद विवाद और मतभेद से दूर रहें। चूंकि राहु आपके पराक्रम भाव में है, प्रयास सार्थक होगा। वर्ष के अंत तक कार्य योजना में सफल होंगे। चूंकि राहु की दृष्टि पत्नी भाव पर पड़ रही है, पत्नी का स्वभाव प्रभावित हो सकता है, स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है। ध्यान रखें, अगर छोटी मोटी समस्याएं हैं तो डॉक्टर से सलाह लें। कुछ मतभेद भी हो सकते हैं, सामंजस्य बिठाकर चलें, संबंधों में मधुरता बनी रहेगी। अक्टूबर से बृहस्पति वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे तो सारी संघर्ष परेशानी चिंता की स्थिति सुधर जाएगी और वर्ष के अंत में अपने आप को आप सफल महसूस करेंगे। आपके लिए जो फलादेश किया गया उसमें अच्छी और प्रतिकूल दोनों बातें हैं। यदि आपकी कुंडली में ग्रह मजबूत हैं और शुभ हैं तो अनुकूलता अधिक मिलेगी, और सहयोगी ग्रह अगर कमजोर होंगे तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है। अपने रोजमर्रा के काम को करते हुए थोड़ी पूजा पाठ करें, इससे आपको स्वास्थ्य संबंधी, आय संबंधी, संतान संबंधी, घरेलू हर चीज़ों में अनुकूलता मिलेगी। भगवान शिव व माता दुर्गा की आराधना रोज करें। अगस्त तक केले के पौधे में जल डालें, अनुकूलता मिलेगी। हर बृहस्पतिवार को आटे में हल्दी मिलाकर रोटी बनाएं और घी लगाकर गाय को खिलाएं। शिवलिंग का जलाभिषेक रोज करें, बहुत अनुकूलता मिलेगी। आइए देखते हैं मिथुन राशि के जातकों का यह वर्ष कैसा रहेगा। जिसका स्वामी बुध है, किसी के मनोभावों को समझना आपसे अच्छा किसको आएगा। आपकी समझ, कुछ भी सीखने की जिज्ञासा, तर्क क्षमता, विश्लेषण करने की क्षमता, यह बुध का विशेष गुण है। इस समय आपके अंदर कुछ भी सीखने की तीव्र इच्छा चल रही है।
नवीन कार्य यदि अब तक नहीं कर पाए हैं तो समय बहुत उपयुक्त चल रहा है, थोड़ा प्रयास करें, संपन्न हो जाएगा। मित्र, सहयोगी या अधिकारियों का सहयोग बना हुआ है, इसका लाभ हर संभव लें। अक्टूबर तक यह स्थिति अनुकूल चलती रहेगी। परिवार में शुभ कार्य जैसे विवाह, मकान, संतान इत्यादि संपन्न हो सकते हैं। विद्यार्थी वर्ग के लिए यह समय बिल्कुल उपयुक्त है। लगे रहें अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए, मन लगाकर पढ़ाई करें, आत्मविश्वास को कम ना होने दें, किसी के अति विश्वास का दुरुपयोग ना करें, नुकसान हो सकता है। स्वास्थ्य पर ध्यान दें, नसों से संबंधित समस्या हो सकती है, न्यूरो की समस्या बढ़ सकती है, पेट में भारीपन बना रहेगा। सादा और सुपाच्य भोजन करें, जल्दी पचने वाली चीजें खाएं, शरीर हल्का रहेगा। वर्ष का उत्तरार्ध पत्नी के स्वास्थ्य के लिए चिंता खड़ी कर सकता है। यदि आपकी उम्र 40 से अधिक है तो रक्तचाप नियमित रूप से चेक कराते रहें, बाहर का खान पान कम कर दें। सितंबर के बाद स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें। मार्च से अगस्त तक जमीन जायदाद संबंधी अनुकूलता बनी रहेगी। यदि वाहन लेना चाहते हैं तो यह समय उपयुक्त है, ले सकते हैं। व्यावसायिक भागीदारी का प्रस्ताव यदि स्वयं आता है तो उसको स्वीकार करें, आपकी उन्नति में 4 चांद लग जाएगा जो आपके अतिरिक्त आय में सहायक होगा। ध्यान दें, अपनी बात मनवाने की हठ ना करें, लाभ होगा। भविष्य में आने वाले सुख समय के प्रति आपका विश्वास आपको विजय दिलाएगा। इस वर्ष आपके अधिक से अधिक कार्य संपन्न होंगे और इस वर्ष आप पूर्ण सफल माने जाएंगे। यदि आपकी स्थिति, आपकी मेहनत, धन संबंधी मामलों का ग्राफ सामान्य से कम है, संघर्ष की स्थिति बनी हुई है तो ये उपाय करें, इससे आपको लाभ मिलेगा। नित्य गणेश भगवान को दूर्वा चढ़ाएं। बुधवार को किसी किन्नर को चूड़ी या हरा कपड़ा उपहार स्वरूप दें। पानी की बाल्टी में फिटकरी डालकर स्नान करें, बहुत अनुकूलता मिलेगी। शिव चालीसा और दुर्गा चालीसा या उनकी आराधना रोज करें। आइए देखते हैं कर्क राशि के जातकों के विषय में वर्ष पर्यंत कैसा राशिफल रहेगा आपका। कर्क राशि जिसका स्वामी चंद्रमा है, यह सबका प्यारा और दुलारा है। ऐसे जातक बहुत लोकप्रिय होते हैं, अत्यधिक भावना प्रधान होते हैं, लेकिन आपकी राशि पर राहु पहले से ही चले आ रहे हैं और इस वर्ष आपकी राशि पर ही रहेंगे। धैर्य बनाकर रखें, फलस्वरूप अपने क्षेत्र में अतिरिक्त जिम्मेदारी और कार्य की अधिकता महसूस करेंगे और उसका लाभ भी आपको मिलता जाएगा। लोकप्रियता आपकी कदम चूमेगी, हर तरफ आपका नाम फैलेगा। आपके अंदर जितनी ऊर्जा है उसका आपको अनुमान नहीं होगा, इसलिए अपनी ऊर्जा का अधिक से अधिक इस्तेमाल अपने रचनात्मक कार्यों में करते जाएं। नवीन कार्य योजनाएं बलवती होंगी जो कि वर्ष के उत्तरार्ध में मूर्त रूप में परिवर्तित होती जाएंगी यदि आप नौकरी में हैं तो स्थानांतरण और पदोन्नति के योग पहले से ही चले आ रहे हैं। प्रयास करें, मन मुताबिक कार्य होने की संभावना बहुत अधिक है। अब आपके स्वास्थ्य की चर्चा करते हैं। अगर पहले से चली आ रही छोटी मोटी दिक्कतें हैं तो तुरंत सावधान हो जाएं। न्यूरो से संबंधित समस्या, जोड़ों से संबंधित परेशानी और पेट संबंधी जटिलताएं बढ़ सकती हैं। यदि आपकी उम्र 40 से अधिक है तो पेशाब से संबंधित समस्याएं पैदा होने की संभावना बहुत है, सावधान रहें। सादा भोजन करें और
नियमित आहार विहार करते रहें। तकिया ना लगाएं, कड़े बिस्तर का उपयोग करें। आपको पत्नी के स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना होगा। नसों और हड्डी से संबंधित समस्या से ग्रसित हो सकती हैं, खास तौर से वर्ष के पूर्वार्ध में। धन के मामले में उतार चढ़ाव बना रहेगा। आर्थिक मामलों में किसी पर अति विश्वास ना करें, नुकसान हो सकता है। संतान से संबंधित समय उत्तरार्ध के बाद और अच्छा हो जाएगा, जो कि आपकी खुशियों को बढ़ाने का काम करेगा, खुशहाली लाएगा। यदि आपका विवाह नहीं हुआ है तो वर्ष के पूर्वार्ध में ही संपन्न हो सकता है, प्रयास करते रहें। इसके अतिरिक्त यदि आपको स्वयं में संघर्ष और असंतुष्टि महसूस हो रही है, काम रुक रुक के हो रहे हैं, धन संबंधी मामलों में रुकावट आ रही है, स्वास्थ्य में असंतुष्टि महसूस हो रही है, तो ये उपाय करें। इससे आपको हर क्षेत्र में काफ़ी अनुकूलता मिलेगी। शीघ्र ही सपरिवार रुद्राभिषेक करवाएं। हर सोमवार को शिवलिंग पर दूध चढ़ाते रहें। शिव चालीसा और हनुमान चालीसा रोज करें। चींटियों के लिए आटा में चीनी डालकर चींटियों के स्थान पर छिड़क दें खाने के लिए। अब हम अगले कार्यक्रम में अगली चार राशियों के विषय में चर्चा करेंगे। तब तक आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। ओम नमः शिवाय।